ने बातें रखी हैं इलेक्शन कमीशन साहब के सामने और उन्होंने हमारी बात बहुत ध्यान से सुनी, इत्मीनान से सुनी। अब हम उम्मीद करते हैं कि वो बात पिछली बार की तरफ सिर्फ सुने ही ना, बल्कि आज वो कोई डिसीजन करें और जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में इलेक्शन करें। जमहूरी राय उम्मीद है आपकी यहाँ जो मीटिंग हुई आज? नहीं, उम्मीद तो हम करते हैं, हर बार करते हैं, कोई भीख नहीं मांगते हैं हम, लेकिन हम जम्मू कश्मीर के लोगों का वो जमहूरी हक जो पिछले 10 वर्षों से इनसे छीना गया है, हम चाहते हैं कि वो जमहूरी हक जल्द से जल्द वापस करें, ताकि लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुने, उनसे अपने काम करवाए, ना कि बाहर से आपका कोई सिलेक्टेड आ जाए जिसके पास आप बरसों तक नहीं पहुंच पाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से खास क्या सामने रखा इस डेलीगेशन के सामने? बहुत सारे हमारे इश्यूज़ थे जो लोगों ने हमसे कहे थे कि इन इश्यूज़ पे बात होना चाहिए। एक तो ट्रांसपेरेंसी सबसे ज़्यादा हो और हर पॉलिटिकल पार्टी को एक क्राइटेरिया से जो है वो लिया जाए इस इलेक्शन में, और ऐसा माहौल पैदा किया जाए ताकि सब लोग जो है अपनी कैंपेनिंग सही ढंग से कर पाए, फील्ड में जा सके, लोगों के पास जाके अपनी बात कह सके। उसके लिए जो इंतजाम है वो कमीशन को सबके लिए एक जैसे करने। कमीशन की तरफ से कैसा रेस्पॉन्ड रहा? कमीशन की तरफ से तो रेस्पॉन्स तो ऐसे बहुत अच्छा रहा, बात उन्होंने हर एक बात सुनी, और सिर्फ सुनी ही नहीं, उस बात पे उन्होंने अपना जवाब भी दे दिया, अपना रिएक्शन भी दे दिया। अब हम यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द वो इलेक्शन का ऐलान करें, और जो 10 वर्षों से जमहूरी हक छीना गया है, लोगों से ज्यादती की गई है, उनकी बात नहीं सुनी गई, उनकी आवाज़ को दबाया गया है, हम चाहते हैं वो जमहूरी हक वापस मिले, ताकि लोग अपने वोट से अपने नुमाइंदे चुने, ना कि कोई बाहर से आके सिलेक्टेड नुमाइंदा आए, वो उनके ऊपर सरकार चलाए और उनके ऊपर जातियां हो, उनकी बात को दबाए। कॉमन एजेंडा आप लोगों का क्या था? कॉमन जो बात आपने की वो क्या था? कॉमन क्या था? वही सबसे पहला ये था कि जमहूरी हक वापस दीजिए, जो लोगों का जमहूरी हक, जो हक शेर कश्मीर ने लोगों को वोट का समझाया है, और वो उस वोट से किसी को भी बना सकते हैं, किसी को भी उतार सकते हैं। सबसे पहले बात यही थी कि वो जमहूरी हक जो 10 वर्षों से आपने छीना है, वो जमहूरी हक वापस कर दीजिए। फिर कुछ मसाइल थे पोलिंग बूथ्स को लेके, लोगों के जो वोटिंग के टाइम पे मुश्किलें आती हैं, ईवीएम को लेके, वो हमने बात रखी है।